हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक क्लास मेमेलिया के क्लासिफिकेशन पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास मेमेलिया को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर वन प्रोटोथीरिया, नंबर टू थीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब क्लास प्रोटोथीरिया के बारे में। तो नाम से ही इंडिकेट होता है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और फर्स्ट, एंड थीरिया मीन्स बीस्ट, मीन्स जानवर। ठीक है, या बहुत ही विशाल का है जानवर को बीस्ट कहा जाता है। तो प्रोटोथीरिया मीन्स पहले बड़े जानवर। ठीक है, प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक ओविपैरस एग लेइंग मैमल्स। तो थीरिया में ऐसे मैमेलिया आते हैं जो कि प्रिमिटिव थे, रेप्टिलिया के जैसे, ओविपैरस मीन्स एग लेइंग। ठीक है, ऐसे एनिमल्स एग ले करते थे जिनके एग में शेल, हार्ड शेल पाई जाती थी। तो इसमें आपका केवल एक सिंगल ऑर्डर पाया जाता है, देन दैट ऑर्डर इज मोनोट्रिमाटा। मोनोट्रिमाटा मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल एंड ट्रिमाटा मीन्स ओपनिंग। तो ऐसे एनिमल जिनमें केवल एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती थी उनको मोनोट्रिमाटा ऑर्डर के अंदर रखा गया। सिंगल ओपनिंग का मीन्स यहाँ पे क्लोएका से है। ठीक है, मीन्स क्लोएका प्रेजेंट। जबकि जब हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा था तब हमने वहाँ पे देखा था कि क्लोएका जनरली अब्सेंट होता है। तो 90% आपके जो मैमल्स हैं उनमें क्लोएका अब्सेंट होता है, बट द सब क्लास प्रोटोथीरिया में आपका क्लोएका प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटोथीरिया, एग लेइंग मैमल एंड क्लोएका प्रेजेंट। इनको रेप्टाइल लाइक मैमल इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेप्टिलिया की तरह जो कैराकोइड बोन है, ठीक है, इनमें कैराकोइड बोन जो है वो वर्किंग होती है, मीन्स जो है वेस्टिजियल नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें आपका, तो टेल प्रेजेंट है इनमें, और बात करें जो भी मेमोरी ग्लैंड में निप्पल्स की प्रेजेंस नहीं होती है। जबकि आपके जितने भी 90% आपके मैमल्स हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड में निप्पल्स की प्रेजेंस होती है। तो बात करें प्रोटोथीरिया में जो फीमेल्स होती हैं उनके एब्डोमिनल कैविटी में, जो उनके जो है यंग वंस होते हैं जब वो हैच करके निकलते हैं तब उन फीमेल्स में जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी में जो है वेंट्रल साइड में वो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। इनके मेल्स की बात करें तो मेल्स में पैर में जो है वो एक स्पोर पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बर्ड्स में भी बताया था कि बर्ड के मेल में जो है वो स्पोर पाया जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें लेग की तो कुछ उठा हुआ स्पोर निकला रहता है, ठीक है, इनमें, दैट इंटरनली कनेक्टेड विथ पॉइजन ग्लैंड। ठीक है, जो कि अंदर की तरफ से पॉइजन ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। और बात करें तो ये स्पोर जो है वो हाइंड लिम्ब में, ठीक है, दोनों हाइंड लिम्ब में पाया जाता है आपके प्रोटोथीरिया में। हम बात करें इनमें मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है फीमेल्स में वो आपका टेम्परेरली होता है, केवल ब्रीडिंग सीजन में होता है, और उसके बाद जो है वो उससे पहले, ब्रीडिंग सीजन से पहले इनके फीमेल्स में आपका मेमोरी ग्लैंड नहीं पाया जाता है। बाकी सारे करेक्टरिस्टिक की फीचर्स की हम बात करें तो इनमें जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है प्रोटोथीरिया में। और बात करें तीनों ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं, और आपका जो स्कल में स्क्वामस बोन होता है, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू डेंटरी बोन। दैट डेंटरी बोन इज अ सिंगल बोन ऑफ लोअर जॉ विच कवर द हाफ, ठीक है, जो कि हाफ आपके लोअर जॉ को कवर करती है डेंटरी बोन। ठीक, जो कि मैंने प्रीवियस मैमेलिया के करेक्टरिस्टिक फीचर्स में आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। बात करें हम लोग अनदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर, तो जो वर्टिब्रल एपिफाइसिस है, ठीक है, वर्टिब्रा में अगर आप देखेंगे जो भी वर्टिब्रा होती है इस तरीके से हमारी वर्टिब्रा एक के बाद एक कनेक्टेड होती है और वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इस ढक्कन को वर्टिब्रा मानिए, उसके पीछे दूसरा वर्टिब्रा, उसके पीछे दूसरा वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा के जो ये पिछला वाला हिस्सा होता है, ठीक है, एंड पोजिशन, इस एंड पोजीशन पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस एंड पोजीशन पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है बोन का बना हुआ, जिसको हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं। एंड दिस एपिफाइसिस प्रेजेंट इन मैमेलिया क्लास, बट 90% मैमल्स में ये पाया जाता है, बट आपका प्रोटोथीरिया में अब्सेंट होता है। और हम बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्रा भी इनमें 7 होता है, बट
जो है जाइगोफाइसिस एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आपको जब सर्वाइकल वर्टिब्रा हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो इस तरीके से एक सर्वाइकल वर्टिब्रा का फिगर अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जो कि दूसरे जो है आपके वर्टिब्रा से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ हड्डी का एक उभार होता है पीछे की तरफ। ठीक है, ये इसके इधर होगा। ठीक, इस तरीके से तो ये जाइगोफाइसिस, ठीक है, वो प्रोटोथीरिया में एब्सेंट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा के। जबकि अगर हम बात करें 90% जो मैमल होते हैं उनके सर्वाइकल वर्टिब्रा में जाइगोफाइसिस पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक वर्टिब्रा का फिगर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है आपकी ये प्री जाइगोफाइसिस है और ये पोस्टीरियर जाइगोफाइसिस है। ठीक है, ये पोस्टीरियर जाइगोफाइसिस है, बट आपके जो प्रोटोथीरियंस मैमल होते हैं उनमें जो है जाइगोफाइसिस एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है हम लोग रिप्स की बात करें, तो रिप्स जो है वो बाइसिफेलस हम लोगों ने पढ़ा था मैमल्स के करेक्टरिस्टिक फीचर में, बट यहाँ पे प्रोटोथीरियंस में आपकी यूनिसिफेलस, ठीक है, मीन्स केवल एक तरफ हेड यूनिसिफेलस आपकी जो है रिप्स पाही जाती हैं। और अगेन रेप्टिलियन लाइक करेक्टर आपका कैराकोइड बोन फुल्ली डेवलप्ड, एंड जो आपका क्लेविकल है वो बिल्कुल टी शेप्ड का होता है। ठीक है, एज लाइक रेप्टाइल, तो जब मैंने आपको रेप्टाइल का करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको टी शेप क्लेविकल के बारे में बताया था। जबकि हम लोग अपने उसमें बात करें मैमल में, तो ये हमारी जो कॉलर बोन है दिस इज कॉल्ड क्लेविकल बोन, और इंटर क्लेविकल हम लोगों में एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये स्टर्नम होता है। ठीक, हमारा ये बिल्कुल फ्लैट क्लेविकल है, जबकि रेप्टाइल्स में आपका टी शेप का जो है क्लेविकल और इंटर क्लेविकल पाया जाता है, और प्रोटोथीरिया में भी आपका टी शेप का क्लेविकल और इंटर क्लेविकल बोन प्रेजेंट होती है। तो ये करेक्टर आपका रेप्टाइल की से मैच करता है, इसीलिए प्रोटोथीरिया को हम लोग रेप्टाइल लाइक भी बोलते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो कंप्लीट होता है, एंड क्लोइका एंड जो आपका रेक्टम है, रेक्टम ओपन्स इन क्लोइका। उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें प्रोटोथीरिया में, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो है वो पल्मोनरी टाइप का ही होगा, हार्ट 4 chambered एंड RBC आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो बाकी सारे करेक्टरिस्टिक फीचर आपके मैमल से ही मैच करेंगे। तो मेल में अगर हम लोग बात करें, तो जो भी आपका इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है तो वो स्पर्म का जो है स्पर्म इजेक्ट आउट करता है क्लोइका में, बट वो यूरिन में जो है पास नहीं करता है। सेम फीमेल की अगर हम लोग बात करें, तो जो आपका ओविडक्ट होता है वो क्लोइका में ओपन होता है, एंड देयर इज नो यूटरस। ठीक है, नो यूटरस एंड वजाइना, नो यूटरस एंड वजाइना, नो वजाइना प्रेजेंट इन प्रोटोथीरिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटोथीरियंस। तो होप सो आपको क्लास सब क्लास प्रोटोथीरिया का करेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आया होगा। तो मोनोट्रिमाटा आपका सिंगल ऑर्डर इसमें है, जिसका एग्जाम्पल है आपका प्लेटिपस, जिसको हम लोग डकबिल भी बोलते हैं, एंड दीज आर द एग लेइंग मैमल। प्रोटोथीरियंस आर कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलियन रीजन। ठीक है, सारे प्रोटोथीरिया आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सब क्लास आपका है थीरिया, तो थीरिया का मीन्स आपका एनिमल, तो मॉडर्न वीविपैरस एनिमल्स। ठीक है, अब आपके यहाँ पे सारे मॉडर्न वीविपैरस एनिमल आएंगे, मीन्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसमें आपके दो इंफ्रा क्लास हैं। ठीक है, नंबर 1 इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया एंड नंबर 2 इंफ्रा क्लास यूथीरिया। ठीक है, तो मेटा मीन्स आपको पता है मेटा मीन्स होता है बीच में। ठीक है, तो बिटवीन आफ्टर एनिमल्स, ठीक, मेटाथीरिया, तो मेटा मीन्स बीच में, थीरिया मीन्स एनिमल, तो आपके प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच के एनिमल। ठीक है, या हम बात करें एग लेइंग प्रोटोथीरिया और यूथीरिया में आपके वीवी पैरस एनिमल टोटली आते हैं, तो वीवी पैरस और ओवी पैरस के बीच के एनिमल। ठीक, तो ये एनिमल आपके ओवीवी पैरस होते हैं, मींस जो है ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, मींस इनके जो यंग वंस होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। ये बर्थ के बाद अपने जो है मदर के एब्डोमिनल पाउच में रहते हैं, एंड दैट पाउच इज कॉल्ड मार्सुपियम पाउच, और उस मार्सुपियम पाउच में फिर इनका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो मेटाथीरियंस मीन्स बिटवीन आफ्टर
बिटवीन और आफ्टर एनिमल्स, ये एनिमल आपके पाउच्ड और वीविपैरस एनिमल कहलाते हैं विथ और विदाउट प्लेसेंटा। मे भी किसी किसी एनिमल में यहाँ पे प्लेसेंटा पाया भी जा सकता है और किसी किसी एनिमल में प्लेसेंटा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सिंगल ऑर्डर आता है मेटाथीरिया में भी, दैट इज मार्सुपीलिया, ठीक है। तो मार्सुपीलिया, तो मार्सुपीलिया नाम ऑर्डर का दिया गया है द प्रेजेंस ऑफ मार्सुपीलियन पाउच ऑन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल्स। तो इसको मार्सुपीलिया और डाइडेल्फिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर टू इज ऑल्सो कॉल्ड मार्सुपीलिया और डाइडेल्फिया। तो हम लोग यूथीरिया, इंफ्रा क्लास यूथीरिया को देखने से पहले मेटाथीरिया के करेक्टरिस्टिक फीचर को देख लें। मार्सुपीलियंस भी आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही कन्फाइंड हैं, बट इसका एक आपका एक्सेप्शन है, दैट इज अमेरिकन ओपोसम, ठीक है। अमेरिकन ओपोसम एक आपका इसका एक्सेप्शन है, ये अमेरिका में पाया जाता है ओपोसम, ठीक है। बाकी सारे एनिमल आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही पाए जाते हैं। हम लोग मेटाथीरियंस आपके जो है वो टेरेस्ट्रियल और बरोइंग एनिमल होते हैं, दे में इनमें जो है एक्वाटिक एनिमल रेयरली पाए जाते हैं। दीज आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और नॉक्टर्नल एनिमल्स। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है इनका कि इनकी जो बॉडी पे कवरिंग होती है, ठीक है, फर और हेयर्स की कवरिंग पाई जाती है एंड एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ठीक है। जो ये हम लोग का ईयर पिन्ना है इस तरीके से, तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज वेल डेवलप इन मेटाथीरियंस। मेटाथीरियंस में आपका जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इनमें टेल जो है काफ़ी लॉन्ग होती है और जो आपकी मेमोरी ग्लैंड इनमें पाई जाती है वो मेमोरी ग्लैंड आपकी सबेसियस ग्लैंड मीन्स ऑयल ग्लैंड का ही जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। और इनमें निप्पल्स पाए जाते हैं, जबकि हम लोगों ने प्रोटोथीरियंस में देखा था तो निप्पल्स आर एब्सेंट इन प्रोटोथीरियन एनिमल। हम लोग बात करें फीमेल में जनरली एब्डोमिनल में मार्सुपियन पाउच पाया जाता है जहाँ पे जो है मेमोरी ग्लैंड आपकी पाई जाती है मार्सुपीलियन फोल्ड में। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो स्कल डाइकोंडेलिक, इनमें स्कल डाइकोंडेलिक होता है एंड नेजल बोन लार्ज, ठीक है। तो नेजल बोन इनकी जो होती है लार्ज होती है और काफ़ी पोस्टीरियर की तरफ एक्सपेंडेड होती हैं, ठीक है। नेजल की बोन्स तो हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, ठीक, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, वो आपके जो नोज़ की बोन्स, ठीक है, वो बक्कल कैविटी और नोज़ को जो है सेपरेट करती हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है पैलेटाइन और बोमर इन सब हड्डी के बारे में देखा था। तो यहाँ पे जो मोलर हड्डी है जुगल, ठीक है, वो काफ़ी लार्ज होती है एंड टिम्पैनिक बुला हम लोगों ने देखा था। टिम्पैनिक बुला इज़ प्रेजेंट इन 90% ऑफ मैमिलिया बट टिम्पैनिक बुला, ठीक है, इज़ अब्सेंट इन मेटाथीरिया। मेटाथीरियंस में ये टिम्पैनिक बुला अब्सेंट होता है, ठीक। तो टिम्पैनिक बुला का मतलब होता है कि जैसे सपोज ये आपका कोई स्कल है, या हम अपने स्कल की बात करें, जब हमारा ये स्कल बन हमारा मतलब जो ये स्कल है ऑसिफाइड फॉर्म में अगर हम लोग देखें, इसे हड्डी के फॉर्म में देखें, तो हमें ईयर का ईयर को रिप्रेजेंट करती हैं कुछ हड्डियाँ मिल करके, ठीक है। हम क्योंकि अब ये ईयर पिन्ना तो दिखेगा नहीं, ठीक, ये तो आपका जो है वो फ्लैश का बना हुआ है, मांस का बना है, कार्टिलेज का बना है, ठीक। तो जब स्कल दिखेगा तो यहाँ पर कुछ हड्डियाँ वो ईयर का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, ठीक है, मिल करके इस तरीके से एक हार्ड कवरिंग बनाती हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक बुला, ठीक है, जो कि हमारी इस तरीके से, ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ मिल जो है जुड़ी होती हैं ये हड्डियाँ, ठीक। तो आपकी टिम्पैनिक बुला का फॉर्मेशन करती हैं। तो टिम्पैनिक बुला इज अब्सेंट इन मेटाथीरिया। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वर्टिब्रा विथ इपीफाइसिस, ठीक, इससे प्रीवियस प्रोटोथीरिया में हम लोगों ने देखा था कि वर्टिब्रा में इपीफाइसिस नहीं पाए जाते हैं, बट वर्टिब्रा में इपीफाइसिस प्रेजेंट हैं इन मेटाथीरियंस एंड सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ पे भी आपके सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मिडिल जो ईयर है, मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं, ठीक, वो तीनों हड्डियाँ मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज इज प्रेजेंट इन मेटाथीरियंस। अगेन थोरेसिक रिब्स जो इनकी हैं वो बाइसिफेलस हैं, जबकि प्रोटोथीरिया में आपकी यूनिसिफेलस थी।
लोग तो इंटरक्लेविकल अब्सेंट होता है जबकि क्लेविकल बोन प्रेजेंट होती है आपके मेटाथीरियंस में। इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका जो कैराकोइड बोन है वो भी आपकी रिड्यूस्ड हो चुकी है मेटाथीरियंस में, जबकि आपकी कैराकोइड बोन फुल्ली वर्किंग में थी, फुल्ली वेल डेवलप थी आपका प्रोटोथीरियंस में। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे है जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्सुपियल बोन प्रेजेंट है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ठीक सामने। ठीक, तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा है कि जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है, इस तरीके से जो हमारी प्यूबिस बोन होती है, तो जब प्यूबिस बोन दूसरी प्यूबिस बोन से अटैच होगी, ठीक है, तो उस अटैचमेंट को हम लोग प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं। ठीक, तो उसी प्यूबिस सिम्फाइसिस के ठीक सामने वेंट्रल साइड में आपका मार्सुपीलियन बोन प्रेजेंट होगी। ठीक, क्योंकि इनमें मार्सुपीलियन पाउच पाया जाता है फीमेल्स में, तो मार्सुपीलियंस जो है बोन प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। For the support of marsupium. तो नेक्स्ट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले हम सबसे पहले टीथ देखेंगे। तो यहाँ पे 44 टीथ से ज्यादा कभी भी नहीं पाए जाते हैं मेटाथीरियंस में, और जो टीथ आपके होते हैं यहाँ पे केवल एक सेट होते हैं, ठीक है, ओनली वन सेट इज प्रेजेंट इन मेटाथीरियंस एंड दैट इज कॉल्ड मोनोफियोडोंट। ठीक है, केवल एक तरीके के टीथ, मोनोफियोडोंट। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग टीथ पर ही बनाएंगे, तब मैं वहां पे आपको मोनोफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दोबारा से क्लियर करूंगी। ठीक, तो मोनो मीन्स सिंगल, फियोडोंट मीन्स जो है आपके एक सिंगल एक तरीके का सेट प्रेजेंट इन मेटाथीरियंस। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर आपका जो भी आपका एनएस है, एनएस एंड यूरोजेनाइटल ओपनिंग इज ओपन इनटू ए नैरो क्लोइका, ठीक है, एंड दिस क्लोइका इज कवर्ड बाय स्पिंचर्स। तो आपके नैरो क्लोइका इनमें पाया जाता है और उस क्लोइका के किनारे जो भी मसल्स पाई जाती हैं दैट स्पिंचर मसल प्रेजेंट इन मेटाथीरियंस। रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स आपकी किडनी, मेटानेफ्रिक, ये सब कुछ आपके तीनों सिस्टम बिल्कुल टिपिकल मैमेलिया के जैसे होते हैं जो कि मैंने आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स में पढ़ाया था। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें, तो मैंने आपको बताया था कि मैमेलिया में जो सेरिबेलम होता है और सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये काफ़ी लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। एंड कॉर्पस कोलेसम, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ब्रेन है, तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग ब्रेन को लैटरल साइड से अपने ब्रेन को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हम लोग को एक क्रिसेंट्रिक, ठीक है, क्रिसेंट्रिक नर्व्स की एक बंडल हमें दिखता है, ठीक है, ये नर्व्स का बंडल हमारा कॉर्पस कोलेसम कहलाता है। एंड दिस कॉर्पस कोलेसम कनेक्ट बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। ठीक, तो ये कॉर्पस कोलेसम में भी प्रेजेंट हो सकता है और अब्सेंट इन मेटाथीरियंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो आपका इंटरनल ईयर में दो तीनों हड्डियां प्रेजेंट हैं और जो आपकी कॉकलियां हैं, ठीक है, कॉकलिया स्पाइरल्ड होगी एज लाइक मैमल्स, ठीक है, बिल्कुल टिपिकल मैमल की तरह इनकी भी कॉकलिया वो स्पाइरल्ड होगी, ठीक है, स्पाइरल होगी मेटाथीरियंस की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो मेल्स में आपका इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है एंड दैट पेनिस इज बाइफर्केटेड इन फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पे जो पेनिस होता है वो बाइफर्केटेड होता है। और आपका जो स्कॉटरल सैक होता है, ठीक है, जिसमें टेस्टिस कंटेनिंग किए होता है मैमल्स का, ठीक, मैमल्स का जो स्कॉटरल टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक, तो वो पेनिस के ठीक सामने प्रेजेंट होता है इन मेटाथीरियंस में। फीमेल के बारे में अगर हम लोग देखें, तो फीमेल हैज टू ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट एंड दैट ओपन इनटू सेपरेट यूरोजेनाइटल साइनस। तो आपके यहाँ पे दोनों जो ओविडक्ट होते हैं वो अलग अलग यूरोजेनाइटल साइनस में ओपन होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इनके पास, इनकी फीमेल में दो यूटेरस, जबकि अगर हम लोग मैमल की ह्यूमन में बात करें, तो ह्यूमन में ये एक जो भी हमारा ओविडक्ट होता है वो जा करके
एक यूट्रस में ओपन होता है, बट यहाँ पे दो यूरोजेनाइटल साइनस में अलग अलग जाके ओपन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपके दो यूट्रस, दो वेजाइना एंड दो क्लाइटोरिस पाए जाते हैं। टू यूट्रस, टू वेजाइना एंड टू क्लाइटोरिस प्रेजेंट इन मेटाथीरियंस फीमेल। तो इनमें फीमेल्स होती हैं, दैट फीमेल्स आर वीविपेरस, और इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो भी काफ़ी शॉर्ट होता है, ठीक है। मीन्स दो ही हफ्ते में इनको जो है यंग वंस का बर्थ हो जाता है। तो 2 वीक्स आपका ऑपोसम में होता है एंड 5 वीक्स आपका कंगारू में पाया जाता है। और बात करें तो इनमें जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, ट्रू प्लेसेंटा अब्सेंट होता है, केवल आपका एक एनिमल है पिरामेल्स, ठीक है, पिरामेल्स में आपका ट्रू एलेंट्रोइक्स प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो इनके जो यंग होते हैं वो काफ़ी स्मॉल और नेकेड होते हैं, ठीक है, एंड ब्लाइंड, तो इनको फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इनको जब शेल्टर की ज़रूरत होती है तो दे केप्ट इन टू द मार्सुपियन पाउच एंड दे कैन फीड ऑन द मिल्क, ठीक है, वो मिल्क पे जो है मिल्क को फीड करते रहते हैं और फिर फर्दर डेवलपमेंट इनका मार्सुपियल पाउच में होता है, ठीक। तो आप लोगों ने कंगारू को देखा होगा, कंगारू के पास एक थैली होती है, ठीक है, इन द एब्डोमिनल दैट जो है पाउच एंड दैट पर्स इज कॉल्ड मार्सुपियन पाउच। वहीं पे ही आपके मेमोरी ग्लैंड्स निप्पल्स पाए जाते हैं जिनको शक करके जो है जो बेबी है इनका प्री मैच्योर बेबी वो फीड करता है। तो नेक्स्ट हम लोग इंफ्रा क्लास यूथीरिया को देखेंगे, ठीक, दैट यूथीरिया, यू मीन्स ट्रू, थीरिया मीन्स एनिमल्स, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रू मैमेलिया, ठीक है, जो कि टिपिकल मैमेलिया हमारा है उनको देखेंगे। तो यूथीरिया आपका काफ़ी लंबा इंफ्रा क्लास है, उसमें आपके लगभग 18 ऑर्डर्स हैं। वन बाय वन ऑर्डर्स को लिख देते हैं, तो यूथीरिया में हम लोग ऑर्डर्स को देखेंगे। तो द थर्ड ऑर्डर इज इंसेक्टिवोरा, ठीक है। तो इसके ऑर्डर्स के नेम ऐसे हैं कि आप एक बार ऑर्डर के नेम को, उनकी मीनिंग को समझ जाएंगे तो किसी भी एग्जाम पे, अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इनकी, ठीक है, ऑर्डर को लेकर के, तो आप जनरली इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, बस बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक। तो इंसेक्टिवोरा नाम से पता चल रहा है, कुछ इंसेक्ट से लेना देना है, तो वोरा मीन्स ईटिंग इंसेक्ट, तो ऐसे मैमल जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, ठीक है। तो दीज मैमल्स आर स्मॉल, ठीक, स्मॉल मैमल्स हैं और इनके पास जो स्नाउट होता है काफ़ी लॉन्ग होता है, ठीक। तो इसमें आपके मोल्स आते हैं, ठीक, टेल्पा इसका एग्जांपल है, आप टेल्पा का फिगर यहीं पे बना लीजिएगा अपने बुक में नेट से देख करके, तो आपको काफ़ी इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑर्डर है चिरोप्टेरा, ठीक। तो चिरोप्टेरा ऑर्डर हमेशा आपका जो है बैट से संबंधित होता है, ठीक है, फ्लाइंग से संबंधित होता है। तो चिरोप मीन्स हैंड एंड प्टेरा PTER है, प्टेरा मीन्स होता है आपका विंग, ठीक है। तो ऐसे मैमल्स जिनमें जो आपका आगे वाला, ठीक है, मीन्स फोर लिंब जो है, फोर लिंब वो जो है आपका कन्वर्ट हो जाए या मॉडिफाइड हो जाए विंग के जैसे और वो फ्लाई कर सके, तो ऐसे जो है आपके एनिमल्स को चिरोप्टेरा में रखा गया है। तो इसमें आपके बैट आते हैं और हाइंड लिंब इनके स्मॉल होते हैं और हाइंड लिंब की सहायता से ये ट्री वगैरह पे जो है लटक जाते हैं। तो जनरली आपने बैट्स मीन्स चमगादड़ देखा होगा, तो आपके बैट्स और चमगादड़ चिरोप्टेरा में आते हैं। इनमें जो टीथ होते हैं शार्प होते हैं, पैग लाइक होते हैं, ठीक है, स्मॉल टीथ पैग लाइक, जिससे ये इंसेक्ट, ये भी जो है आपके कई तरह की इनकी ईटिंग होती है। कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं, मीन्स कार्निवोरस होते हैं, कुछ फ्रूगीवोरस होते हैं जो फ्रूट को जो है खाते हैं, ठीक है। इस तरीके के बैट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक, चमगादड़। तो इसमें फर्दर जो है दो आपके सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, तो मेगा चिरोप्टेरा और माइक्रो चिरोप्टेरा, ठीक है। तो उनमें भी कुछ लिटिल बिट डिफरेंस है आपके, तो एक आपका ईयर का मेगा चिरोप्टेरा और माइक्रो चिरोप्टेरा में एक ईयर पिन्ना का ही डिफरेंस है, तो उल्टा कर दीजिए, मेगा चिरोप्टेरा तो आपको लग रहा होगा मेगा मीन्स बहुत बड़ा, बट मेगा चिरोप्टेरा में आपके जो बैट होते हैं उनका जो ईयर पिन्ना होता है, मीन्स ये ईयर जो पाया जाता है वो बहुत स्मॉल होता है, जबकि माइक्रो चिरोप्टेरा में आपके ये ईयर पिन्ना बड़े होते हैं। मेगा चिरोप्टेरा आपके जो होते हैं वो फ्रूट खाते हैं, ठीक है, फ्रूटी बोरस होते हैं, जबकि माइक्रो चिरोप्टेरा आपके वो कार्निवोरस होते हैं। इन मेगा चिरोप्टेरा में अगर हम लोग बात करें तो जो इनकी विंग्स हैं,
ठीक मींस जो फोर लिंब है उनमें पहला और जो दूसरी उंगली होती है दोनों में क्लॉ पाए जाते हैं, जबकि माइक्रोचिरोप्टेरा में केवल फर्स्ट फिंगर में ही क्लॉ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मेगाचिरोप्टेरा में बात करें तो मेगाचिरोप्टेरा में कभी भी टेल नहीं पाई जाती है, जबकि आपके माइक्रोचिरोप्टेरा में जो भी चमगादड़ होंगे उनमें स्मॉल टेल पाई जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर डिफरेंस थे। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में आपके जूलॉजी के ये पूछा जा सकता है, या कोई फर्दर आप लोगों में से आगे चल करके रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका है डर्मोप्टेरा। ठीक, ये चिरोप्टेरा था, तो चिरोप मीन्स होता है हैंड, यहाँ पे डर्मा, डर्मा मीन्स आपका स्किन, प्टेरा मीन्स विंग। तो आपका ऐसे मैमल्स जिनकी स्किन पे विंग्स पाए जाएँ, ठीक है, या जिनकी स्किन विंग्स मॉडिफाइड हो जाए विंग्स के जैसे, तो इसमें आपके फ्लाइंग स्क्वायरल्स आते हैं, ठीक है, इन डर्मोप्टेरा में। इनमें आपका केवल एक लिविंग जीनस पाया जाता है, साइनोसिफेलस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ल्यूमर, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल मीन्स काफ़ी बड़ा स्क्वायरल की तरह दिखता है, वो फ्लाई कर सकता है, ठीक है, डर्मोप्टेरा में पाया जाता है। द नेक्स्ट ऑर्डर इज इडेंटाटा, ठीक है, तो इडेंटाटा मीन्स होता है टूथलेस, ठीक, ऐसे मैमल्स जिनमें आपके टूथ नहीं पाए जाते हैं उनको इडेंटाटा ऑर्डर में रखा गया है। तो इसका एग्जाम्पल आपका इडेंटाटा का है ब्रेडिपस। तो मैंने जब आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर का पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ब्रेडिपस में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, ठीक, जो इम्पॉर्टेंट बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ब्रेडिपस की बताइएगा, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो कमेंट्स का मुझे आपके इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट आपका ऑर्डर है फिलोडोटा, ठीक है, फिलोडोटा मीन्स अ हॉर्नी स्केल, ठीक, तो एक हॉर्नी स्केल बॉडी पे पाई जाती है, इसमें भी आपका सिंगल जीनस है, दैट इज आंट ईटर, जो कि आपके आंट खाते हैं, पेंगोलिंस, ठीक, तो मैनिस इसको बोला जाता है, द साइंटिफिक नेम इज मैनिस। तो इन सब एग्जांपल्स के साथ आप इनको जब ऑर्डर को लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे ऑर्डर के जो है ये मीनिंग्स इनके याद होते चले जाएंगे। तो द नेक्स्ट ऑर्डर इज ट्यूबली डेंटाटा, ठीक है, मीन्स ट्यूब टूथ है, ऐसे अब दांत आपके जिनमें ट्यूब पाई जाती है, तो ऐसे एनिमल्स में आपका इंसीजर और केनाइन नहीं पाया जाता है, ठीक, तो हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं दोनों उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, और एक सिंगल साइड में जो टीथ होता है उसे हम लोग केनाइन बोलते हैं, मीन्स इस तरीके से दो, इस तरीके से दो सामने के दांत हो गए आपके इंसीजर और इसके बगल में कुछ इस तरीके का केनाइन, ठीक, तो इंसीजर और केनाइन इनमें एब्सेंट होते हैं। इनमें एक सिंगल जीनस पाया जाता है जिससे हम लोग केप एंटीटर, ठीक है, और सिस्ट्रोपस बोलते हैं, ठीक, तो इसका फिगर आप यहाँ पे बना लीजिएगा। नेक्स्ट ऑर्डर है आपका प्राइमेट्स, ठीक, तो प्राइम मीन्स होता है फर्स्ट, ठीक, तो फर्स्ट आपके फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन, ठीक, फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन वाले आपके जो एनिमल्स जो थे आपके वो प्राइमेट्स में आए। और अगर हम बात करें तो इनकी जो पहली डिजिट थी, ठीक, जो आपके लिम्स में डिजिट थी, तो पहली डिजिट जो है अपोजिबल थी, जिसकी वजह से ग्रेस्पिंग मीन्स पकड़, ठीक, तो पहली बार ह्यूमंस प्राइमेट्स में जो है वो जो मैमल लाइक प्राइमेट जो प्राइमेट थे आपके उनमें ग्रेस्पिंग आई मीन्स पकड़ आई। इनमें आईज काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और प्राइमेट्स मोस्टली जो आर्बोरियल होते हैं, ठीक है, मीन्स पेड़ों पे रहने वाले होते हैं। नेक्स्ट आपका है रोडेंटिया, ठीक, तो रोडेंटिया मीन्स होता है ग्नो, मीन्स जो सब कुछ कुतर देते हैं, ठीक, कुतरने वाले टाइप के, जो सब बर्बाद कर देते हैं, तो रोडेंटिया इनमें आपके रैट आते हैं, माउस, ठीक है, इस तरह के आपका काफ़ी लार्ज ऑर्डर है ये, तो ईच जॉ विथ वन पेयर लॉन्ग रूटलेस चिसेल लाइक इंसीजर, ठीक, इनमें अगर हम बात करें तो दोनों जॉ में कोई दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप लोगों ने चूहों को देखा भी होगा इस तरीके से दो दांत उनके बाहर निकले रहते हैं, तो सभी जॉ में एक जोड़े आपके रूटलेस, जिनमें रूट नहीं होते उन दांत में, चिसेल लाइक, ठीक, छेनी की तरह, इस तरीके से आपने उस दांत को देखा होगा, कुछ इस तरीके से होते हैं वो दांत दोनों चूहे के, ठीक, तो कुछ छेनी की तरह, आप लोगों ने छेनी देखी है ना, जिससे इस तरीके से हम लोग पीछे से हैमर से ऐसे पुश करते हैं, ठीक है, चिसल, जिससे हम कोई चीज़ तोड़ी जा सके, ठीक, तो चिसल लाइक इंसीजर इनमें पाया जाता है, जो कि थ्रू आउट लाइफ बढ़ता रहता है, ठीक, और इसी थ्रू आउट लाइफ बढ़ने की वजह से वो चूहे अपने दांत को हमेशा घिसते रहते हैं, जिससे आगे की चीज़ जो है उनके वो दांत जो है वो घिस जाएं। इनमें कैनाइंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नो कैनाइंस।
ठीक नो कैन एग्जाम्पल आपका इसमें हो गया स्क्वायरल रैट माउस ठीक द नेक्स्ट ऑर्डर इज लेगो मॉर्फा तो लेगो मॉर्फा का मतलब होता है हेयर ठीक है हेयर मीन्स आपका खरगोश तो लेगो मॉर्फा का मतलब हो गया हेयर फॉर्म ठीक इसमें आपके जितने भी मैमल आएंगे वो खरगोश के जैसे होते हैं ठीक तो इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है कह रहा है कि विथ ए सेकेंड पेयर ऑफ स्मॉल अपर इंसीजर ठीक है बिहाइंड द फर्स्ट पेयर तो जैसे ह्यूमन में अगर हम बात करें तो हमारा जो डेंटल फार्मूला होता है ह्यूमन्स का 2123/2123 होता है ठीक है तो हमारे पास दो पेयर होते हैं जो है आपके इंसीजर के फिर एक पेयर आपका केनाइन का दो पेयर प्री मोलर के और फिर तीन पेयर मोलर के तो सेम उसी तरीके से कह रहा है कि अपर ठीक है आपके अपर जॉ में इंसीजर फर्स्ट पेयर के पीछे एक और पेयर पाया जाएगा तो अब यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा डेंटल फार्मूला खरगोश के लिए वो हो जाएगा 2033/1023 तो यहाँ पे क्या है क्योंकि कैनाइन पूरी तरीके से एब्सेंट है सो कैनाइन की जगह पे आप जीरो लिख दीजिए और अपर जॉ में दो जोड़े इंसीजर के और नीचे वाले जॉ में केवल एक जोड़ा जोड़े का मतलब आप आधे आधे मीन्स जैसे सेट है हमारा दांतों का ठीक है इस तरीके से सपोज ये दांत हैं तो बीच में से जो है बीच के बीच से एक इधर पेयर दूसरा पेयर इधर से मीन्स अगर आप इसे एक गिनेंगे तो दूसरा पेयर इसका इस तरफ होगा ठीक है तो उस तरीके से आपका अपर वाले जॉ में यहाँ पे दो कैनाइन दो इंसीजर पाए जाएंगे ठीक है और कोई भी कैनाइन ना अपर जॉ में ना लोअर जॉ में मीन्स कोई भी कैनाइन आपका हेयर्स में लेगो मॉर्फा में नहीं पाया जाएगा द एग्जाम्पल इज रैबिट एंड द साइंटिफिक नेम इज ऑर्सिटोलैगुअस ठीक है तो ऑर्सिटोलैगुअस रैबिट का साइंटिफिक नेम है नेक्स्ट ऑर्डर आपका है सिटेसिया ठीक है तो सिटेसिया का मीन्स होता है आपका व्हेल तो व्हेल में क्या होता है कि जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं इट्स मॉडिफाइड इनटू पैडल लाइक ठीक है ब्रॉड पैडल मीन्स चप्पू की तरीके से ब्रॉड पैडल लाइक फ्लीपर में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है जिससे ये स्विमिंग कर सके इनमें कोई क्लॉ नहीं पाए जाते हैं और हाइंड लिम्ब पूरी तरीके से एब्सेंट होता है व्हेल्स में ठीक नो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है नेक्स्ट ऑर्डर इस आपका है सिरेनिया ठीक है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपकी सेरीन मीन्स सी काऊ आएगी तो सिरेनिया में क्या है आपका कि इसको हम लोग सी निम्फ भी बोलते हैं यहाँ पे भी आपका सेम व्हेल की तरह ही है जो आपका फोर लिम्ब है वो पैडल लाइक हो गया है जिससे ये स्विमिंग कर सकें नो हाइंड लिम्ब नो एक्सटर्नल ईयर और बॉडी पे हेयर्स जो है थोड़े बहुत पाए जाते हैं तो इस तरीके से बस आप वन बाय वन सारे ऑर्डर्स को लिख लीजिए सारे ऑर्डर्स के नेम को जान लीजिए थोड़े बहुत डिफरेंस हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट ऑर्डर इसमें आपका है कार्नी बोरा ठीक है तो नाम से ही पता चल रहा है कार्निबोरा मीन्स कार्निबोरस ठीक है मीन्स फ्लैश टू ईट जो ऐसे एनिमल्स जो आपके फ्लैश ईटिंग करते हैं मीन्स मांस खाते हैं तो इनके फीडिंग बिहेवियर इनके फूड के बिहेवियर से ही पता चल रहा है कि इनमें जो क्लॉज होंगे ठीक है मीन्स पंजे होंगे वो वेल डेवलप होंगे और इंसीजर ठीक है अब आगे के दांतों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इंसीजर्स इसमें स्मॉल है ठीक कैनाइंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो फीचर्स है दैट इज़ कैनाइन लार्ज ठीक तो आपने कुत्तों में देखा होगा इस तरीके से काफ़ी जो कैनाइंस होते हैं उनके ठीक वो निकले हुए होते हैं इवन जब अपने मुंह को बंद करते हैं तो भी फैंग लाइक ठीक है मीन्स सांप के फैंग्स की तरह मैंने आपको जब स्नेक का वीडियो पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको फैंग्स के टाइप्स और फैंग्स के बारे में पढ़ाया है तो फैंग लाइक ठीक है ये आपके जो कैनाइंस होते हैं इसमें लार्ज होते हैं और फैंग लाइक होते हैं ठीक इसको दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है ठीक इस जो है ऑर्डर को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया है इट इज़ वेरी सिंपल फिसिपीडिया एंड द नेक्स्ट इज पिनिपीडिया ठीक है दोनों में बस एक मेजर डिफरेंस है कि आपका जो फिसिपीडिया है वो मॉडर्न टेरेस्ट्रियल कार्निबोरस है ठीक मीन्स आपके टेरेस्ट्रियल पे रहने के लिए अडॉप्टेड है ये फीट कंटेन सेपरेट टो ठीक इनके जो फीट में है वो सेपरेट टो पाए मीन्स अंगूठे जो है वो सेपरेट पाए जाते हैं तो द एग्जाम्पल इज डॉग वुल्फ ठीक कैनिस फैमिलियरिस कैनिस लूपस
ठीक है। तो कैनिस की प्रजाति इसमें पाई जाती है, पेंथरा, टाइग्रिस, ठीक है, आपका हाइना, तो इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके, शेर, लायन, चीता, कुत्ते, बिल्ली, वुल्फ, ठीक, वो आपके फिसिपीडिया में, मीन्स ऑर्डर कार्निवोरा के सब ऑर्डर फिसिपीडिया में आएंगे। ठीक, पिनिपीडिया की अगर हम बात करें तो सब ऑर्डर पिनिपीडिया में मैरीन कार्निवोरस आते हैं। और इनकी बॉडी की बात करें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, और जो भी इनके लिम्ब्स होंगे, ठीक, तो लिम्ब्स आर मॉडिफाइड एज पैडल, और हम बात करें तो इन ये फ्लिपर्स, ठीक है, तैरने के लिए इनके लिम्ब्स आपके मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका कॉमन सील है। ठीक, नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो द नेक्स्ट ऑर्डर इज हायराकॉइड्स, हायराकॉइडिया, ठीक, तो इसमें आपके श्रीव आते हैं। ठीक, आप लोगों ने ऐसे एनिमल, छोटे बिल्ले की तरीके से मैमल्स जिनको हम लोग श्रीव बोलते हैं, कि स्मॉल गुनी पिक की तरह दिखाई देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्रंट फुट में आपके 4 toes होते हैं और पीछे वाले पैर में, मीन्स हाइंड लिम्ब में, 3 toes होते हैं। ठीक, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायराकॉइडिया ऑर्डर। तो हेरापोडिया में भी आपका कैनाइन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, कैनाइन अब्सेंट, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ लोफोडोंट टीथ। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं ये मिटा करके लोफोडोंट टीथ का मतलब। तो हम लोग बात करें, लोफोडोंट आपका एलिफेंट के की करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें क्या होता है, जो भी आपके अंदर जो टीथ में, ठीक है, पहली बात तो टीथ काफ़ी बड़ा होगा, मोलर टीथ बहुत बड़ा होगा इनका, और अंदर इनेमल की और डेंटाइन की, ठीक है, काफ़ी इंट्रेंसिक इस तरीके से आपकी जो है फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक, मीन्स इनका इनेमल काफ़ी फोल्डेड हो जाएगा, इंट्रिकेट फोल्डिंग प्रेजेंट। ड्यू टू द इंट्रिकेट फोल्डिंग यहाँ पे आपके क्रिसेंटिक कप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक कप हो गया, ये दूसरा कप, ठीक, इस तरीके से। तो दीज आर कप्स, दीज आर क्रिसेंट्रिक कप्स। क्रिसेंट्रिक का मतलब होता है अर्धचंद्रमाकार, ठीक है, जैसे चंद्रमा इस तरीके से हाफ मून होता है, इसको हम लोग क्रिसेंट्रिक बोलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे क्रिसेंट्रिक कप्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एंड दीज ट्रांसफर्स रिजेस, ठीक है, तो इस तरीके से ये कप्स आपके, ये ट्रांसफर्स रिजेस, अगर हम लोग इस तरीके के एक रिज की बात करें तो ये आपका लोफोस कहलाता है। तो इस तरीके के दांत मॉडिफाइड होते हैं फॉर ग्रैचुइंग अ लार्ज प्लांट्स, ठीक है, और बात करें घास को काफ़ी च्यूई करने के लिए, जिससे बहुत देर तक काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और इस तरीके के फोल्ड्स पाए जाते हैं जिससे वो चीज़ों को काफ़ी देर तक च्यू कर सके, चबा सके, ये मतलब पूरी तरीके से ग्राइंड कर सके, जिस भी चीज़ को ये खाएं पूरी तरीके से ग्राइंड कर सके। तो आपका लोफोडोंट टीथ इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायराकॉइडिया ऑर्डर। द नेक्स्ट ऑर्डर इज प्रोबोसीडिया, ठीक है, तो प्रोबोसिस मींस, पता चल रहा है आपको, प्रोबोसिस मींस होता है काफ़ी लंबा, ठीक है, तो फ्रंट टू ईट मींस इनका, इनमें जो है आपका प्रोबोसिस निकला रहेगा। तो आपका इसमें काफ़ी फेमस एग्जांपल आता है, दैट इज़ एलिफेंट, तो आपको पता है उसमें जो ट्रंक होती है, ठीक है, प्रोबोसिस होती है, काफ़ी लंबी होती है। तो ऐसे एनिमल्स में लार्ज हेड, मैसी ईयर्स, ठीक है, काफ़ी मैसिव मींस काफ़ी बड़े ईयर पाए जाते हैं, हेयरलेस स्किन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर कि इनकी जो स्किन होती है वो हेयरलेस होती है, एंड दिस टाइप ऑफ स्किन इज कॉल्ड पैकीडर्मा, ठीक है, एंड अपर लिप मॉडिफाइड एज इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल प्रोबोसिस, और जो इनकी अपर लिप होती है इन एनिमल्स में वो इलोंगेटेड ट्रंक में जो है मॉडिफाइड होती है। ठीक, और बात करें जो ऊपर के दो इंसीजर होते हैं, ठीक है, इंसीजर आर इलोंगेटेड एंड एज टस्क, ठीक, तो एलिफेंट में जो इस तरीके से लंबे टीथ पाए जाते हैं, दैट टीथ आर द अपर इंसीजर्स एंड इट इज इलोंगेटेड एंड कॉल्ड टस्क इन एलिफेंट। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो चीक बोन, ठीक है, जो इनकी तो सॉरी चीक टीथ, तो आपने देखा इनके जो इंसीजर्स हैं, मतलब आगे के जो दो दांत हैं वो टस्क में, ठीक है, हाथी के दो लंबे टस्क में कन्वर्ट हो गए, मॉडिफाई हो गए हैं, और पीछे के, ठीक है, चीक के टीथ की, जो हमारे पीछे के टीथ हैं, उसी तरीके से एलिफेंट में पीछे के टीथ की बात करें तो वो टीथ भी आपके लोफोडोंट होते हैं। ठीक, तो प्रीवियसली मैंने आपको लोफोडोंट टीथ की करेक्टरिस्टिक फीचर बताया कि इसमें जो है आपके काफ़ी जो है फोल्डिंग पाई जाती है, डेंटाइन और कैनन जो है आपके इनेमल की दांतों में फोल्डिंग पाई जाती है, तो इस तरीके के दांत एक
चंद्रमाकार क्रिसेंट्रिक बनाते हैं और इस तरीके के टीथ काफ़ी जो है प्लांट्स को, लार्ज चीज़ों को जो है मैसरेट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इस तरीके के दांत जो है वो आपके मॉडिफाइड होते हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका एलिफस मैक्सिमस। तो एलिफस मैक्सिमस आपका एलिफेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट ऑर्डर है इसमें आपका पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके अब जो दोनों लास्ट ऑर्डर हैं पेरिसोडेक्टाइला और आर्टियोडेक्टाइला। ठीक, दोनों में बस एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। पेरिसोडेक्टाइला आपका ऑड टोज, ठीक है, मीन्स जो पैर में, या हम बात करें लिम्प्स में जो टो हैं आपके, लिम्प्स में आपके जो जो है आपके फिंगर्स या डिजिट पाई जा रही हैं, क्योंकि डक्टाइला मीन्स डिजिट, ठीक है, डिजिट, और पेरिसो मीन्स ऑड। ठीक, अगर ऑड डिजिट पाई जाएंगी मीन्स विषम संख्या में डिजिट पाए जाएंगे, विषम संख्या में फिंगर्स होंगे, एक और तीन फिंगर, तो इस तरीके के एनिमल को हम लोग पेरिसियो डक्टाइला में रखते हैं। तो ऑड टोस हूफ्ड मैमल, इंसीजर प्रेजेंट ऑन बोथ जॉ। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स में जो पेरिसोडेक्टाइला में आते हैं उनमें दोनों जॉ में, ऊपर और नीचे दोनों जॉ में इंसीजर पाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका हॉर्स है, आप लोग इसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टियोडेक्टाइला में आपका, डेक्टाइला मीन्स डिजिट एंड आर्टिको, आर्टियो मीन्स आपका इवन, ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपकी इवन डिजिट्स आएंगी। ठीक, तो इवन डिजिट्स में आपके 2, 4 मीन्स अब आपके जो फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब होंगे उसमें या तो दो आपके टोज होंगे या चार टोज होंगे, दो फिंगर होंगी या फोर फिंगर्स होंगी। यहाँ पे हम बात करें तो आपका इंसीजर और कैनाइन अपर जॉ में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इंसीजर और कैनाइन इज लेकिंग इन अपर जॉ। तो अब जो आपके आर्टियोडेक्टाइला में एग्जाम्पल है, तो आपका पिग, मस्ट, मस्क डियर, कैमल, इस तरीके के एग्जाम्पल आपके आर्टियोडेक्टाइला में आते हैं। और अगर हम लोग इनके बात करें इनके डेंटल फार्मूला की, तो आपका इंसीजर और कैनाइन अपर जॉ में एब्सेंट है, तो 0033 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ना तो इंसीजर ना कैनाइन। ठीक है, और प्री मोलर और मोलर पाए जाते हैं। लोअर जॉ की बात करेंगे 3133 होंगे। ठीक, तो ये शिप का आपका, मैंने आपको शिप का एक बताया, इसी तरीके से ये पिग का, शिप का डेंटल फार्मूला होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में क्लासिफिकेशन को काफ़ी डिटेल में कवर